विजय वेल्थ एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम अपना सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमने रखा है इन्वेस्टमेंट का सही समय जाने कि एक बड़ा प्लेयर कब और कैसे इन्वेस्ट करता है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस रहती है, उसकी क्या मेंटालिटी रहती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाता। ये वीडियो प्योरली फॉर इन्वेस्टर है। दिस इज ये हमने आई मीन ये वीडियो आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताएगा, पर ये आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट सही समय पर कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। मैं आपको कुछ नाम लेना चाहूंगा जिनकी स्टोरी सुनकर के हम मार्केट में आए, कि कुछ बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत नाम कमाया। राधा कृष्ण धमानी साहब, राकेश झुनझुनवाला, रमेश धमानी, बसंत माहेश्वरी, समीर अरोड़ा, विजय केड़िया, डॉली खन्ना, राजीव खन्ना, आशीष कचोलिया, ऐसे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मार्केट में 500 करोड़, 1000 करोड़ से लेके 15000 करोड़ तक भी कमाया, तो 30-40-50 साल से इस मार्केट में है और मार्केट की नब्ज को समझ चुके हैं। उन्हें ये पता है कि किस वक्त और किस वे में मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो केवल उसी के रिकॉर्डिंग है। आज मार्च 2020 चल रहा है, मैं ये वीडियो तब बना रहा हूं जब मार्केट में ब्लड बाथ मचा है। हमारी निफ्टी 12,400 से 10,800 आ चुकी है। हम ऊपर के लेवल से 14-15% डाउन है। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त डरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि अपना पुराना पोर्टफोलियो खाली कर दें, नया ऐड करें कि ना करें। तो मैं आपको इसके सामने एक कॉम्प्रिहेंड स्टडी ला रहा हूँ पिछले 10 साल की, कि प्योरली इन्वेस्टमेंट किस तरह किया जाता है, किस तरह बड़े लोग पैसा बनाते हैं, किस वक्त वो आते हैं मार्केट में और किस वक्त वो अपना पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, किस वक्त वो कैश पे बैठे रहते हैं। तो उसको जानने के लिए मैंने आज के टॉपिक के लिए मार्केट का मूवमेंट किस बेस पे काम करता है उसके लिए एक पैरामीटर लिया है जिसका नाम है VIX, विक्स। विक्स क्या होता है? विक्स की फुल फॉर्म है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि अगले 30 दिन तक क्या वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी उसको शो करता है। जनरली इसको एक फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, कि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में उतना ही विक्स बढ़ेगा। विक्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब फियर मार्केट में बहुत बड़ा। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखिए कि विक्स की रेंज क्या होती है। अगर विक्स की बात करें फॉर इंडियन मार्केट, इसकी रेंज 9-10 से लेके 55-60-70 तक की रेंज रहती है। अब मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये देखिए, अगर इसकी रेंज 9-12 के बीच में है, आपको विक्स किसी भी साइट पे मिल जाएगा, NSE की साइट पे मिल जाएगा, investing.com पे मिल जाएगा। अगर 9-12 के बीच में रहती है तो मार्केट का लेवल टॉप है, टॉप पर है और एक्सट्रीम पीक लेवल पर है। अगर 25-35 22-23 भी ले सकते हैं, 23-35 के बीच है, तो हम 85-95% बॉटम पर खड़े हैं।
अगर 35 अबव हो जाता है, 35 से 60 के बीच में, तो वो एक्सट्रीम बॉटम है जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जनरली ये तभी होता है जब एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटेंस हो, लाइक फाइनेंशियल स्कैम्स हो या कोई वॉर हो। एक बार फिर रिपीट करूंगा, 9 से 12 के बीच में हम टॉप पर होते हैं, 25 से 35 हम लेट से 75 to 90%, 95% बॉटम पे आ चुके होते हैं, और 35 to 60 हम एक्सट्रीम बॉटम पे होते हैं। एग्जैक्टली टॉप एंड बॉटम किसी को नहीं पता, पर थोड़ा बहुत आइडिया है से हम मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी तरह से बड़े प्लेयर काम करते हैं। मान लीजिए जिसके पास 50, 100, 200, 500 हजार करोड़ है, वो मार्केट के बॉटम के टाइम पर ही मार्केट में आता है। अब कैसे पता करें कि बॉटम आ गया है? बॉटम हम थोड़ा बहुत बॉटम टॉप और बॉटम दो ही तरीके से पता किया जा सकता है। वो एक तो होता है विक्स, और दूसरा होता है निफ्टी का पी रेशियो। पी रेशियो पे कभी हम फिर वीडियो बनाएंगे, आज हम केवल विक्स की बात कर रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा विक्स बढ़ जाए तो मार्केट मार्केट 99% टाइम क्रैश ही होगा, इवन 99.99%। इस वक्त इंडिया का विक्स 25 चल रहा है, 7 मार्च 2020 है, और इंडियन विक्स देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये देखिए इंडियन विक्स 25.64 चल रहा है। मार्केट की एक फितरत होती है जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर जनरली नहीं समझ पाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म व्यू से आता है, उसका बस चले तो वो 10 लाख रुपए आज लगाए और अगले दिन उसको 20 लाख मिल जाने चाहिए। तो आज कोई शेयर खरीदता है, उसको 4 घंटे बाद ही प्रॉफिट चाहिए। बड़ा प्लेयर कई साल मार्केट में गुजारने के बाद ये समझ जाता है कि मार्केट कोई जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ज्यादा पैसा कमाने का तरीका है। वो केवल राइट टाइम पे ही इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने 100, 200, 500 करोड़ से मार्केट में बिल्कुल सही समय पर घुसते हैं और बहुत कम समय में 20, 30, 40, 50% बना के निकल भी जाता है। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, पर वो अपना नया पैसा, वो अपना हर फ्रेश इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब मार्केट धराशायी हो जाता है। और उसको मैंने इंडिया के विक्स से कोरिलेट किया है। लेट्स चेक कि इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। मैंने एक बार फिर कहा, 9 से 12 के बीच में हम टॉप और एक्सट्रीम है, 25 से 35 में हम 25, और 35 अबव एक्सट्रीम बॉटम है। मैं आपके सामने 10 साल की स्टडी रखना चाह रहा हूं, वो 10 साल की स्टडी से आपको आइडिया लगेगा कि जब जब विक्स बहुत हाई हो गया है वही सबसे सही समय है पैसा लगाने का। विक्स जिसको कहा गया है फियर इंडेक्स, बड़ा प्लेयर केवल फियर बाय करता है, छोटा प्लेयर रिटेल इन्वेस्टर केवल ग्रीड लालच बाय करता है। वो मार्केट में तब आता है जब सब कुछ हरा हरा होता है, वो नया पैसा तब डालता है, जबकि बड़ा प्लेयर मैच्योर्ड इन्वेस्टर जिन्होंने काफी समय से मार्केट में वक्त गुजारा है, वो समझ चुके हैं कि पैसा केवल ब्लड पाथ में ही बनता है, पर वो 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के होराइजन से नहीं बनता, वो केवल 1, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के होराइजन से बनता है। वो अपना नया पैसा केवल और केवल ब्लड पाथ में, जब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रहा हो, तभी एंटर करते हैं।
अब उनका लॉजिक ये है कि जब बहुत ज्यादा हाई विक्स हो जाएगा तब मार्केट पूरा क्रैश होगा, तब घुस जाइए। हो सकता है कि उनको टॉप टॉप या बॉटम पूरी तरह पकड़ में नहीं आए, पर वो किसी को भी नहीं आएगा। पर उन्हें मोटा मोटा आइडिया तो लग गया कि अगर 25 के अबव है तो यस इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। अब आपके पास सपोज 10 लाख है तो आप 25 पे 3 लाख लगा दीजिए, 30 पर और 3 लाख लगा दीजिए, 35-40 पर पूरे लगा दीजिए। हो सकता है 40 के बाद वो 50 तक भी चला जाए, पर वो उतनी तेजी से कवर भी करेगा। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटीमेंट में वो 60 तक भी चला जाता है, पर वो उतनी तेजी से कवर भी करेगा। आज एक तो अभी इसको जानिए कि हर आपको पैसा लगाना ही तब चाहिए जब विक्स बहुत हाई पर हो, मार्केट पूरी तरह से टूट गया हो, क्योंकि क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा सकता है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर सुबह के बाद रात होती है। हमको केवल रात में पैसा लगाना है और बिट्स एंड पीसेस में लगाना है, इंस्टॉलमेंट में लगाना है। मान लीजिए एक मिडिल क्लास बंदा है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, जिसकी 10, 20, 25, 30, 50 हजार या 1 लाख रुपए मंथ की सेविंग है, वो अपना सारा पैसा जोड़ के रखेगा। वो मार्केट में एंटर ही तब करेगा जब बहुत विक्स हाई पर होगा, क्योंकि मार्केट टूटा हुआ होगा। वो अपना पैसा उसी टाइम लगाएगा। हो सकता है 100 रुपए की चीज जैसे ही लगाएगा 90 भी आएगी, 80 भी आएगी, पर एक्चुअल में वो चीज 200 से 100 आई है। तो ये राइट समय होगा उसका पैसा लगाने का। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ यू कैन नॉट सी 50% डेप्रिसिएशन, इफ यू कैन नॉट सी 50% डेप्रिसिएशन ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट, यू आर नॉट मेंट फॉर मार्केट। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी यू हैव टू बी फियरफुल, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल देन यू हैव टू बी ग्रीडी। जब सब लोग पैनिक में अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, उस टाइम पर बड़ा इन्वेस्टर विक्स को देख के, पी रेशो को देख के, निफ्टी के पी की रेशो को देखकर अपना पैसा लगा रहा होता है। आप देखिए, मैं आपको निफ्टी और विक्स का एक कोरिलेशन दिखाता हूँ कि विक्स हाई होगा, निफ्टी डाउन होगा, विक्स नीचे आएगा सूनर और लेटर, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होगी और सुबह के बाद रात होगी ही होगी। इसी तरह मार्केट चलता है। देखिए, जहां पर भी 35-30 के अबव विक्स होगा, आपको उस टाइम पर इन्वेस्ट कर देना। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी 30 के अबव होगा आपको इन्वेस्ट कर देना है, और 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के होराइजन से, लोगों से उधार लेके या बोरोड मनी मार्केट में नहीं लगा देनी है। आपको अपना ही पैसा लगाना है ताकि उसको 1-1.5-2 साल 3 साल होल्ड कर सके, और हर मंदी में पैसा लगाना है। हम मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास और रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में क्यों आता है? हम अपनी सेविंग्स आरडी में डालते हैं, एफडी में डालते हैं, एलआईसी में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि 20-25 साल बाद देखें तो उससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को फायदा हो सके या हमारा बेटर रिटायरमेंट प्लान हो सके। इन्वेस्टिंग इसी को कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज अ टूल टू मल्टीप्लाई योर फ्री मनी। आप पैसा लगाइए, ऐसे वक्त में लगाइए जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, वॉरेन बफेट के जो गुरु थे। When all quality shares are 30-40% down, just invest it and found it. अब आप रिलेशन देखिए कि जब भी मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जब भी 30 से अबव आपको 30-25 के अबव विक्स दिखेगा, आप अपना छोटी थोड़ी थोड़ी सेविंग लगाते जाइए क्वालिटी स्टॉक्स में।
ये वीडियो दो पार्ट में बन रहा है। पहला मैं आपको विक्स और निफ्टी में कोरिलेशन बता रहा हूं और फिर आपको निफ्टी और स्टॉक्स में कोरिलेशन बताऊंगा। तो अब देखिए कि 30 के अबाव जब भी विक्स आया होगा तो कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में। अप्रैल 2009 में विक्स 46 पहुंच गया। 46 पहुंचने का मतलब है मार्केट इनफ टूट चुका होगा। मार्केट उस टाइम पर 6000 से 3400 आ गया था निफ्टी। अब लेगा वो टाइम कितने भी टाइम में आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए 26 भी है क्योंकि अप्रैल 2009 में 2008 का सबप्राइम क्राइसिस हुआ था, वो एक बहुत एक्सट्रीम क्रेज था, जबकि आप 26 में भी लगा सकते हैं। पर अप्रैल 2009 से केवल और केवल 1.5 ईयर में विक्स 16 पहुंच गया और निफ्टी 6134 पहुंच गया। बड़ा प्लेयर सपोज मान लीजिए जिसके पास 10 20 50 करोड़ 100 करोड़ है, वो हर बार मार्केट में एंटर ही तब करेगा जब 25 30 35 विक्स होगा, क्योंकि उसको सारी चीजें बहुत ही होड़ियों के दाम पे मिल रही होगी। आप देखिए सितंबर 2011 में 31 का विक्स था, आपको उस टाइम इन्वेस्ट करना ही करना है। बड़े प्लेयर ने उस टाइम इन्वेस्ट किया ही किया होगा। 4900 की चीज 2012 में वापस 17 आया, देखिए वो 5300 हो गया। फिर वो 36 हुआ अगस्त 2013 में 5400, आपको फिर इस टाइम पे 36 पे इन्वेस्ट करना है। तो आज जैसे मान लीजिए एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी है जो 10 20 25 50000 रुपए हर महीने सेव करता है, उसके पास साल का 1.5-2 लाख-3 लाख रुपए सेव होता है, वो हर उस पैसे को रखे। मार्केट को हमें मतलब आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर को अगले 20-25 साल में मार्केट को विन करना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा तब ही इन्वेस्ट करेंगे और अपना एक पैसा कहीं नहीं लगाएंगे जब तक आपको विक्स हाई पे नहीं दिखेगा। हर हाई पर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाना है, अपनी सेविंग लगा दी, हो सकता है आप अगले 5-10 महीने तक फिर विक्स ऊपर नहीं जाए तब तक आप अपने कैश पर बैठे रहोगे, फिर आप लगाएंगे। तो आप देखिए 36 का पी अगस्त 2013 में फिर वापस 36 हुआ, आपको इस वक्त फिर पैसा लगाना है क्योंकि सूनर और लेटर उसको नीचे आना ही आना है। ये केवल और केवल मार्केट डिमांड और सप्लाई और फियर एंड ग्रीड पर चलता रहता है, कभी वो ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऊपर ही है। अच्छे स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स, निफ्टी एंड ह्यूमन बीइंग, दे आर डेस्टिन्ड टू गो अप ओनली, उनको ऊपर ही ऊपर जाना है। 1990 में 150 का सेंसेक्स था, आज वो सेंसेक्स 40,000 तक भी चला गया। अब फरवरी 2014 में देखिए 14 आ गया। आपने जो 36 के विक्स पर पैसा लगाया है लगे रहने दीजिए, ठीक है, पर अब देखिए 5400 से निफ्टी 6200 तक भी पहुंच गई अगले एक साल के अंदर, इवन 6 महीने के अंदर, क्योंकि तो विक्स को नीचे आना ही आना है। पूरे वर्ल्ड में सारी असेट्स क्लास में केवल इक्विटी ही ऐसी है जो कि प्रॉफिटेबल, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव असेट्स क्लास होती है। तो बड़े इन्वेस्टर के पास जिनके पास 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ है, उनके पास एक ही रास्ता है कि मार्केट में पैसा, वो केवल और केवल इक्विटी मार्केट के थ्रू, वो पूरे वर्ल्ड में वो इक्विटी मार्केट के थ्रू ही पैसा कमा सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। बस एक पैनिक मचाया जाता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, फिर ऊपर के लेवल पे वो थोड़ी बुकिंग करते हैं फिर वो घुसते हैं, बस यही वीसीएस सर्किल चलता रहता है। अप्रैल 2014 में फिर एक बार 30 हुआ, आपको फिर लगाना है। 6 महीने बाद देखिए वो 9-10 हो गया। 30 पर हम बॉटम के आसपास थे, तो देखिए 30 से जब वो 9-10 आया तब 8500 पहुंच गई निफ्टी, 6700 से 8500, ऑलमोस्ट 40% रिटर्न, 35-40% रिटर्न। 35 जब आया तब एक बार फिर पैसा लगाया, जब वो 10 आएगा 9-10-11-12 35 2015 से 2017 दो साल लगे। 23 भी आया, 23 पे भी आप लगा सकते हो, नवंबर 2016 जब डिमोनेटाइजेशन था,
डिमोनेटाइजेशन पे पूरी दुनिया सोची, पूरा इंडिया सोचा, बस सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। ये सब बकवास है। हर रात के बाद सुबह होगी, सुबह के बाद रात होगी ही होगी। हमें केवल क्या करना है, मार्केट के हायर विक्स लेवल पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट का लेवल, निफ्टी का लेवल लोएस्ट लेवल पे मिलेगा, और इन्वेस्ट करना और भूल जाना है 1-1.5-2 साल के लिए। सूनर और लेटर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, और आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट होगा। पर हम गलती क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बात है 2012-13 की। मेरे कजन थे, मेरे से 6-7 साल बड़े थे। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनको बोला कि एक शेयर है फलाना फलाना, 71 रुपीज का खरीद ले। वो मुझे बोले कि मार्केट अभी अच्छा नहीं है। 3 साल बाद वही शेयर 291 का था। वो मुझसे पूछते हैं कि ये शेयर अब अच्छा लग रहा है, खरीद लूं क्या? आप समझ रहे हैं, 71 पे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, 291 पे अच्छा लग रहा है। सेम यही गलती रिटेल इन्वेस्टर करता है। वो केवल फियर को, वो केवल ग्रीड को बाय करता है, और बड़ा प्लेयर फियर को बाय करता है। जब सब डर रहे हैं तब पैसा लगाता है, और 1.5-2 साल बाद देखता है। आप इस टेबल को 50 बार देखिएगा, आपको समझ आएगा कि जब भी विक्स ज्यादा है निफ्टी नीचे है, बाय कर लो। 35 से देखिए 23 आया, निफ्टी 700 पॉइंट बढ़ी, और जब 35 से 10 आया तो 1800 पॉइंट का भी जाना। फिर वेट करना है मई 2019, 30 का विक्स आ चुका है। यहां से मतलब ये एक बार फिर हम बॉटम पे थे, हम बहुत डाउन हो चुके थे। सूनर और लेटर हमको ऊपर जाना ही जाना है। और मई 2019 के बाद इसने दिसंबर 2019 के आसपास अपना लाइफ टाइम 12,400 भी टच किया, और आज 12,400 से टूटकर निफ्टी 10,900 पर खड़ी है। अगर मैं आज 7 मार्च की क्लोजिंग की बात करूं, और हमारा विक्स 25 आ चुका है। आपको कुछ समझ आ रहा है मैंने क्या बात खोली? जब भी मार्केट में कत्लेआम मचे, खून की होलियां बहे, त्राही माम हो रहा हो, हर आदमी ये सोच रहा हो इट इज कंप्लीटली द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको इन्वेस्ट ही तब करना है। साल भर पैसा जोड़िए। मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वी ऑल आर इधर मिडिल क्लास पीपल और मे बी अपर मिडिल क्लास पीपल। ओके, हमें साल भर पैसा जोड़ना है, और मार्केट में एंटर ही तब करना है जब विक्स बहुत हाई पर हो, क्योंकि उस वक्त मार्केट बिल्कुल नीचे होगा। हो सकता है वहां से, अगर सपोज आपने 30 पर, सपोज 30 पर इन्वेस्ट किया, 35 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है। उस टाइम और इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास अगली सेविंग आ जाएगी। आपको तो अगले 20 साल का मिशन डिसाइड करना है ना। एक कहावत कही गई है, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स जस्ट अ जर्नी। हमें 20-30 ईयर बाद अपने आप को ऐसे मुकाम पे देखना है कि हमने रेगुलर इन्वेस्ट कर करके एक ठीक ठाक मनी एज पर इंडियन मिडिल क्लास स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट करी। उसका सबसे बढ़िया जरिया केवल और केवल इक्विटी मार्केट है। आज हम 25 के विक्स पर खड़े हैं। हर रात के बाद सुबह होगी, और सुबह के बाद रात होगी। 7 मार्च 2020 है। अब आप ही मुझे बताइए इस पूरी टेबल को देखकर कि सूनर और लेटर, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर बाद, हो सकता है 1.5 साल बाद,
सिचुएशन बदलेगी, हो सकता है ये 30 चला जाए, हो सकता है 25, पर सूनर और लेटर इसको 10 पर आना ही आना है, और जब भी ये आएगा हमको ऊपर जाना ही जाना है। आप इन्वेस्ट तभी ही करेंगे जब मार्केट हाई पे होगा। हमारी दूसरी टेबल का भी वीडियो हम तैयार, ये वीडियो दो पार्ट में है। जो निफ्टी का लेवल है, विक्स के थ्रू निफ्टी का लेवल जो आ जाता है, अब निफ्टी से आने से बड़े स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये समझ आया कि आज समझ आया होगा कि बड़ा प्लेयर केवल और केवल फियर बाय करता है, छोटा प्लेयर केवल ग्रीड बाय करता है। आज ही आपको कसम खा लेनी है कि मैं जब भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं इन्वेस्ट ही तब करूंगा जब 25, 30, 35 विक्स होगा, उससे पहले इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपको ऑलरेडी मिल गई, क्योंकि 35 का विक्स होगा तो मतलब ऊपर के लेवल से शेयर ऑलरेडी 20, 30, 40% टूटे हुए मिलेंगे, चाहे वो 6 महीने में आए चाहे साल भर में आए, और आप लाइफ टाइम इसी वे को यूज कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जो 35, 40, 50 साल से लोग हैं, वो उन्होंने यही किया है। मैं जनरली हम सेमिनार में बोलते हैं, खाते तो वो भी रोटियां, या उनको फरिश्तों ने भेजा है। तो अगर वो अचीव कर सकते हैं तो हम सब भी अचीव कर सकते हैं। आपको बस इस खेल का सीक्रेट समझना है, और सीक्रेट यही है कि जब सब डरे हुए होंगे तभी बाय करना। अब लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जो चीज उन्होंने 200 रुपए से 100 देखी है, वो रोज 5-5 रुपए टूट रही है, तो हिम्मत नहीं होती खरीदने की। आप बिट्स एंड पीसेस में खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब रिवर्सल आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि वो 100 की चीज 200 कब हो जाएगी। और जो इन्वेस्ट आपको करना है, आप ये सोच के करेंगे कि 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल तक उसको रखना ही रखना है। ये सब क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये तो केवल ये पार्ट है कि इन्वेस्टमेंट का सही समय क्या होता है और कैसे होता है, किसमें डालना है, व्हाट टू इन्वेस्ट, इन विच सेक्टर, इन विच स्टॉक्स यू शुड इन्वेस्ट, वो हम इसके सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट में उसको कंपैरिजन देखेंगे। तो इस वक्त जो लोग डरे हुए हैं, वो एक बार विक्स की स्टडी करें, पिछले 20 साल की, पिछले 15 साल की स्टडी करें, वो क्या देखेंगे कि जब भी 30 के ऊपर है सही समय है इन्वेस्ट करने का, और जब भी 9, 10, 11 हो जाए उस टाइम पे बुक कर लो। सिंपल लॉजिक। और बुक नहीं करो तो नया पैसा ना डालो। नया पैसा केवल डालना ही डालना तब है जब मार्केट में एक्सट्रीम फियर फैल चुका हो। पिछले 20 साल में 15 तरह के तो वायरस देख लिए हमने, 10 तरह के फाइनेंशियल स्कैम देख लिए, 25 तरह की नेचुरल क्लैमिटीज देख ली, पर उसके बावजूद भी मार्केट का है 150, सेंसेक्स से 41,000। तो सूनर और लेटर अच्छा स्टॉक्स, इंडेक्स और ह्यूमन बीइंग को ऊपर ही ऊपर जाना है, क्योंकि हर बड़े प्लेयर का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक ही तरीका है मल्टीप्लाई करने का, वो की इक्विटी मार्केट। दूसरा तरीका कैसीनो भी है, जहां कितने जीतते हैं वो आपको पता ही है। तो हमें हमेशा फियर बाय करना है, ना कि ग्रीड। हमारे कजन को 71 पर शेयर महंगा लग रहा था। अच्छा, आई मीन उसके वर्ड थे कि अभी सही समय नहीं है, पर 291 पर उसको लग रहा अब इन्वेस्ट कर दूं क्या। आज हम 25 के विक्स पे खड़े हैं, हो सकता है 30 चले जाएं, 35 चले जाएं, आप डिसाइड करें कि हम कितना पास है बॉटम के। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया
तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम पे विजय वेल्थ एडवाइजर को ज्वाइन करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने सेमिनार में बताते रहते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से जानें तो केवल इतना ही बोलना चाहूँगा, मिडिल क्लास आदमी के पास लिमिटेड पैसा है, वो कसम खा ले कि मैं इन्वेस्ट तभी करूँगा जब फिक्स मुझे बहुत हाई पे दिखेगा, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट टूटा हुआ दिखेगा। सोनर और लेटर उसको ऊपर जाना ही जाना है। आई होप आप सभी को पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।